प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब पहुंचने से पहले ही पंजाब की राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पंजाब के ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ में उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली। इससे देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री ने अपने ओवरब्रिज पर रोके जाने का बदला सीएम चन्नी से ले लिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब पहुंचने से पहले ही पंजाब की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को ही चंडीगढ़ में उड़ने की इजाजत नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक सीएम चन्नी को चंडीगढ़ के राजेंद्र पार्क से होशियारपुर जाने की परमिशन नहीं दी गई। इसके चलते चन्नी होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में नहीं पहुंच पाए। इस पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस तरह से एक सीएम को रोकना बहुत गलत बात है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री को लैंडिंग की इजाजत मिल सकती है तो एक सीएम के हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को रुकने के लिए कहा गया था। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को होशियारपुर में राहुल गांधी के साथ चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने जाना था। बताया गया कि नो फ्लाई जोन बनाए जाने के चलते सीएम चन्नी को इजाजत नहीं मिली। वहीं इससे पहले राहुल गांधी के चौपर को उतरने की इजाजत दे दी गई थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने होशियारपुर में रैली करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चन्नी गरीब के बेटे हैं और वो जरूरतमंद लोगों के लिए ही फैसले लेंगे। सीएम चन्नी को उड़ान ना भरने देने का मामला अब गर्माता भी जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि सीएम को यहाँ होशियारपुर में आना था, लेकिन केंद्र सरकार की वजह से चन्नी का कार्यक्रम में आना कैंसिल हो गया, जो कि शर्मनाक है। अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान नहीं लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये चुनाव स्वांग और दिखावा भर है। सुनील जाखड़ ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी फिरोजपुर नहीं जा पाए थे तब कहा गया कि उनकी जिंदगी को खतरा था, लेकिन आज चन्नी को होशियारपुर आने से रोका गया। मोदी को इस पर कुछ रोशनी डालनी चाहिए। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली कैंसिल हो गई थी, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से कुछ किसान उनके रास्ते में आ गए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब के अधिकारियों से कहा था कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। इसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया था। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा, वहीं 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे। इसी दिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के नतीजे भी आ जाएंगे। ऐसे में सीएम चन्नी का रोका जाना कितना सही है या गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।